सुबह पर सर्किट पूरा तैयार करेंगे, जो कि हमारे इस मोनोबोर्ड से, ये 200 वाट है मोनोबोर्ड हमारा, इससे चलाएंगे। ये है हमारी सबवूफर बोर्ड, जिससे हम 8 फुट लेंगे सबवूफर वाली। इसमें देखिए लिखा भी है, ये देखिए सबवूफर एम्प लिखा है, ये देखिए इधर भी लिखा है सबवूफर 302। तो इसको और इसको, इन तीनों चीज़ों को अटैच करके चला के दिखाएंगे हम आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको इन सब का कनेक्शन कर लेना है। तो पहले तो आपको ऐसा वाला तार ले लेना है, जो कि जंपरिंग वायर होता है हमारा, इसको ले लेना है और इसको थोड़ा सा काट लेना है। तो मैंने तार काट लिया है, अभी मुझे जंपर करना है इस पर। तो चलिए जंपर करेंगे, सब चीज़ों को हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। अभी अटैच इन दोनों का चलेगा। तो पहले तो हमारा ये वॉल्यूम है, जो कार्ट से सप्लाई आया है ऑक्स वाला, तो इसको पहले लगाएंगे वॉल्यूम में। एक ऐसा वॉल्यूम लगा लेना है आपको। तो ये है ग्राउंड बीच वाला हमारा, तो इसको यहाँ पर लगा देना है साइड में, बीच वाला आपको ग्राउंड से अटैच कर लेना है इस वाले से। चाहे तो आप सोल्डर कर सकते हैं, चाहे तो आप कैसे भी लगा सकते हैं। चलिए तो सोल्डर कर लेते हैं। अभी हमारा ग्राउंड हो गया है और यहाँ पे लगा लेना है आपको। तो ये लग गया है और ये वाले आपको तार इस बीच वाले में लगा देना है। ये वॉल्यूम का सर्किट बीच वाला दिख रहा है आपको। ये जो हमारी ये सबवूफर के बोर्ड के लिए सप्लाई हो जाएगी, 8 फुट निकलेगी इसमें से वॉल्यूम से होके, इसको आपको बीच वाले में लगा देनी है। यहाँ पे लग गया, ये देखिए दूसरा वाला भी इधर लगा देना साइड में। ये देखिए लग गया है और ये हमारे जो कार्ड से आया है आउटपुट, तो ये इस वाले वॉल्यूम में लगा देना इधर वॉल्यूम के तीसरे नंबर पर। इससे क्या होता है, इसकी आवाज़ कंट्रोल में रहती है और कोई दिक्कत भी नहीं आती है। तो ये देखिए मैंने तार लगा दिए हैं और अब आ गई है बारी इस चीज़ को सेट करने की। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें लिख रखा है इन्होंने, लाइक लीजिएगा आप। तो यहीं पे मुझे ये वाले तार लगाने हैं, वॉल्यूम्स हो गया जो ऐसे करके लगाने हैं। तो चलिए तारों को हम लगाएंगे सही से, बिल्कुल देख करके। ग्राउंड वाला हमें बीच में लगा देना है, जो ग्राउंड हमने निकाला था। और बाकी वाला तार जो एक बच रहा है हमारा काला वाला, वो इधर लेफ्ट में लगा देना है। और ये हो गई है इधर आउटपुट की लाइन होके। अभी हमें इसके इधर आउटपुट के जो हमारी इस कार्ड के लिए जाएगी सप्लाई, वो इसमें देनी है। तो चलिएगा, इसमें से जो प्लग लग के आए थे वही यूज करेंगे इस वाले बोर्ड के अंदर जो प्लग निकले थे। तो चलिए ये वाले हैं हमारे कार्ड के साउंड के, और ये हैं आउटपुट जो हमने यहाँ पे लगा रखी थी इधर। तो ये देखिएगा लग गया है। तो यहाँ पर तार को छील लेंगे। इधर ग्राउंड में लगा देना है इसको, आपको ग्राउंड चेक कर लेना किधर है ग्राउंड। तो यहाँ पे ग्राउंड ये वाला है, इसमें ब्लैक वाला लगा देंगे और ये आउटपुट में प्लस में लगा देंगे, जो हमारा आउटपुट आया है नेगेटिव पॉजिटिव देख के। तो ये ग्राउंड था, मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और इधर ये आउटपुट आई हुई है इस प्लेट से होकर, तो वो भी मैंने यहाँ पर लगा दी है।
अब रही बात हमारे जो 24024 करंट जाएगा उसकी लाइन देनी है, ऐसे तार ले लेंगे तीन वायर, क्योंकि इसमें इतना हाई एम्पियर नहीं चाहिए होता है, सिर्फ करंट ही काफ़ी है, एम्पियर की कोई ज़रूरत नहीं, एक दो एम्पियर हो तो भी चल जाएगा। तो चलिए तार को अलग अलग कर लेंगे तीनों को। और पीला वाला बीच में लगा दिया है, बीच वाला हमेशा ग्राउंड रहता जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए ये भी लगा दिया है हमने। और अब आ जाती है बात इसमें कनेक्शन करने की, इस बोर्ड में तो ज़्यादातर आप लोग जब कनेक्शन करें तो इसका बीच वाला है जो वो ग्राउंड ही रखें, क्योंकि इसमें आसानी होती लगाने में, कोई प्रॉब्लम से नहीं आती है, इसे भूलने का दिक्कत नहीं होता आपको तार बार कुछ भी। तो चलिए अब हम इसमें लगा लेंगे, देखिएगा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पास से थोड़ा सा। ये देखिए इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे, इधर ये लिख दिया है 24 वोल्ट माइनस और ग्राउंड और 24 वोल्ट प्लस, तो इन तीनों में तार मुझे लगाना है। और आपको इसमें भी देख लेना है प्लस माइनस कौन सा है, ये प्लस है हरा वाला, रेड वाला हमारा माइनस है, इसको ध्यान में रखना है आपको। तो चलिए इसे कनेक्शन करेंगे हम, ऐसे करके लगनी है। ये तीनों कनेक्शन मैंने कर दिए इसमें बिल्कुल सही तरीके से, आप देख लीजिएगा। अब आ जाती है बात हमारे स्पीकर वायर की, तो स्पीकर वायर हमारा ये प्लग लगा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा शॉर्ट हो गया तार सर्दी की वजह से, तो इस पर भी लगा लेंगे प्लग को, कोई प्रॉब्लम नहीं चल जाएगा, वो भी सही है। तो चलिए इसको भी लगा लिया है, इसको अभी इधर ही छोड़ देना है। आ जाती है बात हमारे इससे तो मतलब ही ख़त्म हो गया, इसमें सारे तार जुड़ गए हैं, इसको ऐसे रख देना है। बात आती है हमारे कार्ड की सप्लाई की, जो कार्ड की सप्लाई देनी है तो 78.05 आपको ले लेनी है एक ऐसी। और शोल्डर कर लेंगे इसमें, क्योंकि तार इसमें टूटने लगा है। तो ये रहा हमारा ग्राउंड, ग्राउंड हम लगा लेंगे बीच में। ध्यान में रहे आप लोगों को तार डायरेक्ट नहीं लगाने इसमें, ट्रांसफार्मर से चार डायोड लगा के आपको ऐसे लगाना है। तो ये हमारे फाइनली तार सब जुड़ गए, आपको सेटअप दिखा देते एक बार। आपको ट्रांसफार्मर से ऐसे एक सर्किट बना लेना है प्लस माइनस करके, आपको ये बता चुका हूँ, मेरा वीडियो भी मेरे चैनल पड़ा हुआ है आप देख सकते हो। और ऐसे करके तार यहाँ पे लगाने प्लस माइनस देख के, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एसी आता है और डीसी कन्वर्ट होके आपको इसको देना है। तो चलिए चेक करेंगे, तार लगाने जा रहे हैं हम लाइट में। ये देखिएगा कार्ड लाइट आ चुकी है, लेते हैं ब्लूटूथ में अपने। तो कनेक्टेड हो गया ब्लूटूथ हमारा, और चलिए म्यूजिक चालू करेंगे इस पर। और ये भी कार्ड भी बता रहा है म्यूजिक चालू है, तो आवाज़ मैं खोलता हूँ इसकी, फाइनली इसको अलग रख देंगे।
ये देखिए देखिए बोलेगा ये, साउंड थोड़ा कम कर लेंगे और चलिए साउंड को चेंज करेंगे हम, कोई दूसरा सॉन्ग लगाएंगे। फिर ड्राइवर लगा हुआ है यहाँ पे, बढ़ा भी सकते इसको, आउटपुट इसकी कम लग रही है अगर आपको तो, आउटपुट तो थोड़ी बड़ी बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखिए तार हिल गए सब, तो आपने देखा इसका परफॉर्म, इस बोर्ड का हमारे एक नंबर काम कर रहा है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको भी मालूम है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।